क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा होता हो तो समीकरण इसका मान बताना है हमें, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ क्या है, प्लस का मतलब है माइनस और माइनस का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 42 माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, प्लस का मीनिंग माइनस है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है और प्लस का मतलब माइनस है। तो ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है। अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बोडमास रूल लगाएंगे। तो जब हम न्यूमिनेटर में बोडमास रूल लगाते हैं, सबसे पहले हमें डिविजन के साइन को सॉल्व करना होगा। तो जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये वैल्यू 4 आएगी। अब इसके बाद मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करना होगा तो 8 टू जाए हो जाएगा 16। तो जो न्यूमिनेटर है उसकी वैल्यू आ गई 42 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 15। ऐसी जो डिनोमिनेटर है उसमें सबसे पहले हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 को डिवाइड किया 2 से तो ये वैल्यू 4 हो गई। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 किया तो ये वैल्यू 27 हो गई। तो जो डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 माइनस 27। इसी को सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा तो माइनस 16 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 31। 42 प्लस 4 हो गया 46, 46 माइनस 31 किया तो ये वैल्यू आ गई 15। ऐसे 4 प्लस 4 8 हो गया, माइनस 27 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 19। तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस 15 डिवाइड बाय 19, ऑप्शन 8।